हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं मालदीव्स, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो हम लोग उधर पहाड़ियों के बीच में खूब मस्ती करेंगे। औकात है तेरे, मालदीव्स आएगा और पहाड़ मालदीव्स में नहीं होते, मनाली में होते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मनाली को, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। उधर भी हम लोग उधर पहाड़ियाँ चढ़ेंगे और उधर का फेमस मसाज भी करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, हम लोग आपके लिए मसाज का भी वीडियो डाल देंगे। मसाज मनाली में नहीं, थाईलैंड में होता है। तो माफ़ करना फ्रेंड्स, गलती से मिस्टेक हो गई। तो हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। जैसे कि मैंने सुना है थाईलैंड में थाई और दोनों का मसाज होता है, तो हम लोग सब कुछ करवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं। क्या बात कर रहा है, सच में मैं नहीं मानता। मत मान, मान। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम सुनते लोगों के खड़े हो जाते हैं। अरमान की बात कर रहे हैं हम लोग, और ऐसी जगह जिसकी परमिशन मांगने के लिए बच्चों की तशरीफ फटके हाथ में आ जाती है पेरेंट्स के सामने। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, हम लोग जा रहे हैं गोवा। तैयार होना फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। एरोप्लेन थोड़ी देर में आती होगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। ये लोग मुझे एरोप्लेन में बिठाएंगे बोल के, देखिए ट्रेन में लेके आ चुके हैं ये साले कमीने। अभी मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा इतने बड़े यूट्यूबर को। मैं सोच रहा था कि एरोप्लेन में फर्स्ट क्लास टिकट में जाऊंगा, ये लोग मुझे ट्रेन में लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ स्टार्टिंग में ही। तो मैं इनको, मेरी बहुत बड़ी बदवा लगेगी इनको, देखना ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हम ये सारे तो आप सब लोग देख ही सकते हैं कि लोग कितने एक्साइटेड है गोवा जाने के लिए। सिर्फ हम नहीं, दूसरा ग्रुप भी है जो हम हमारे जैसे कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये दावणगिरे आ गया। तो मेरा भड़वा फर्जी फ्रेंड धनुष, ये डीजी मादर थैंक्स ले। तो ये हमारा सेवियर बन के आया है, हम सबके लिए खाना लाया है साला। तो थैंक यू सो मच ब्रो एंड फक ऑफ, बाय डीजी, फक ऑफ। गोवा आ चुका है, ये वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। तो इधर से अभी हम अपने होटल को जाएंगे। तो अभी टिफिन के लिए हम लोग इधर रोड साइड कुछ तो है इधर, तो इधर इडली। ये नितिन बीजे नितिन वंस मोर ये पूरा टिफिन करके अभी फुल एनर्जेटिक हो चुका है। 5 मिनट पहले सोया हुआ सुअर जैसा लग रहा था। और ये रहा अपना ओमकार, एंड इधर से हमने इडली वड़ा पोहा ब्रेड ऑमलेट ऐसा वगैरह कुछ खाया। ज़्यादा तो अफोर्ड कर नहीं सकते, रोड साइड ही खाना पड़ेगा। और ये अपना हर्षवर्धन जी एस, ये ब्रेड ऑमलेट को पेलते हुए। अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग कैलंगुते बीच के पास आ चुके हैं। और नितिन भाई फुल फॉर्म में, आज लगता है 2-3 को पेल के ही छोड़ेंगे। कितना खूबसूरत माहौल है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो गाइज, ये है हमारा होटल, यहाँ पे हम रुकेंगे 2 दिन। अगर आपको चीप होटल्स बुकिंग कुछ चाहिए तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होटल का बालकनी व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। इधर से उतना वीडियो में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम पास जाके देखेंगे तो बहुत सही व्यू है। अभी हम सब लोग जाएंगे बैग वैग रख के नीचे। तो और ये अपना डाइनिंग टेबल, कुछ ऑर्डर किए, कुछ खाना वाना आया तो इधर से। तो चलिए रूम में चलते हैं। ये अपने दोस्त नहीं, ये तो अभी नहीं चाहिए। तो ये हमारे रूम्स हैं, इधर देखिए, आए नहीं कि थक के सो गए सब लोग। अभी फ्रेश अप होके हम
फिर निकलेंगे गोवा पे। तो अब हम सब लोग फ्रेश होके नहा धो के अभी निकल रहे हैं। अभी हम अंजुना को जाके लंच वंच करेंगे और उधर से सीधा आरंबोल बीच को जाएंगे। तो तब तक अभी हमारा होटल का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ, बालकनी से कैसा दिख रहा है। बहुत ही सेक्सी, बहुत ही कूल है। अच्छा यार, होटल बहुत अच्छा है, सस्ता है। अगर कम में आना है आप लोगों को तो आप इधर आ सकते हो। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, आपने लौंडे सारे एंजॉय कर रहे हैं इधर। ये व्यू है अपना, बालकनी व्यू बहुत ही सही है। लंच के लिए हम आनंद सी फूड में आए हैं, जो हमारे होटल के नियर बाय था। तो ये फिश थाली कुछ मंगवाया है, तो उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है जो मैंने पहले कभी खाए नहीं है। तो देखते हैं, ये सब लोग साले जपते नहीं है, किसी को बैटिंग शुरू हो गई है इधर। तो अभी हम लोग गाड़ी में अपने रेंटेड स्कूटीज में पेट्रोल भरवा के हम सब अभी चपरा फोर्ट जाएंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन से बीच पे कहाँ जाना है। तो हम सब लोग रेडी हैं, तो आप देख ही सकते हो। तो हम सब लोग चपरा फोर्ट जाने के लिए निकले थे अपनी बाइक्स में, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, ऊपर कहीं पे ही है। तो उससे पहले हमको एक बहुत ही खूबसूरत बीच मिला। बड़ी गर्मी बहुत है इधर, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये तेरी हवाएं ते मुझको सताएं, भागी नहीं है दिल, अब दिल ये कहाँ है, न जा नहीं सका, ऐ दिल ये क्या हुआ, साकी मुझे बता क्यों होती है दुआ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 25 किलोमीटर शायद ट्रैवल करके आरंबोल बीच को आए हैं अभी। तो अभी बहुत थक चुके हैं, एक्चुअली बहुत गर्मी है इधर, इतनी गर्मी कि बता नहीं सकते। खड़े खड़े पसीने इतना छूट रहा है, पानी की बोतल पिए जा रहे हैं। तो गाइस, ये है आरंबोल बीच। इस साइड शैक्स भी है, इधर अगर हमको बैठ के खाना वाना खाना है, अपने दोस्तों के साथ कुछ बकचोदी करनी है। इधर देखिए, कुत्ते दो कुत्ते बकचोदी कर रहे हैं। अबे यार, किसी का चप्पल चुरा लिया अबे तुम तो। इधर देखिए, ऑलरेडी लवर्स के नाम लिख दिए गए हैं। हमने सोचा कि हमारे ग्रुप के दो तीन भड़वे लवर्स का नाम वाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी बकचोदी चल रही है। तो इधर कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग, और हम सब लोग थोड़ी देर पानी में मस्ती वस्ती करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है यार। बता नहीं सकते कि मेरा कितना मन कर रहा है जाने का। अभी मैं जैसे ही वीडियो कट करूंगा, बैटरी भी बहुत लो हो चुकी है, मैं जाऊंगा इतना खेलूंगा पानी में कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब लौटूंगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। एक घंटा डेढ़ घंटा खूब पानी में खेलने के बाद थोड़ी देर बीच में खेले, और इधर एक स्वीट वाटर लेक बोल के था आरंबोल पे, तो उधर सब खेला। अभी बहुत थक चुके हैं। तो ये रहा मेरा भाई अशफाक भाई, आइए भाई, बहुत थक चुके हैं। अभी जाके कुछ खा पी के नहा धो के अच्छे से, क्योंकि सॉल्ट वाटर पूरा लग गया होगा। अभी नज़ारा तो एक नंबर है भाई। आप लोगों को मुझसे भी खूबसूरत चीज़ देखनी है? हाँ, जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन देखनी है। रुको, दिखाता हूँ। आह हाँ,
ये व्यू अगर दिन भर देखने को मिल जाए ना तो भी कम पड़ जाएगा। रात हो चुकी है फ्रेंड्स, तो अभी क्या सोने जाएंगे? घंटा अभी तो शुरू ही है। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि गोवा मतलब रात से ही शुरू होता है, तो हम लोग बागा बीच के पास आए हुए हैं। तो ये रहे डाइनिंग टेबल्स, इधर फैमिली या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हैं कैंडल लाइट टाइप, और इधर अपना बज रहा है गाना शाना। देखिए यार क्या खूबसूरत जगह है, ये देखिए यार। एक सेकंड बस, मुझे बस इतना दिखाना था, ये लाइटिंग जो की है ना इन्होंने शैक्स की, अलग लेवल भाई, देख करके मज़ा आ रहा है। और ये बस इतना तक ही सीमित नहीं है, ये पूरा एंड तक कवर्ड है लाइट्स शैक्स। हेलो गाइस, आज डे टू है और हम लोग अपने गाड़ियों को सब उधर पार्क करके हम वाटर स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, जो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमने बुकिंग की थी, प्री बुकिंग की थी, तो अभी जाके उनसे बातचीत करके 13 लोग हैं हम लोग, तो सब चेक वेक करके हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए जाएंगे। पूरा आज पूरा डे वो लोग हमको ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, शाम तक। तो आज हम अपना कुछ टेंशन नहीं है, आज हमको बस खूब मस्ती करना है, खेलना है हर एक चीज़, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्नॉर्केलिंग और बहुत सारे गेम्स हैं जो मैं वीडियो जितना हो सके उतना डालूंगा, जहाँ जहाँ पे मैं मोबाइल निकाल के वीडियो कर सकता हूँ मैं शूट करके डालूंगा। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, तो ये लोग हमको पिक करने आ गए हैं, तो ये लोग हमको बोट में लेके जा रहे हैं अभी ट्रेनिंग वेनिंग दे के। ये भैया जो है ट्रेनर लग रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग दे के स्कूबा का, फिर ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करवा के सबको स्कूबा के लिए लेके जाएंगे। ये भैया नंबर लिख रहे हैं हम पे, पता नहीं है हमसे क्या करवाने जा रहे हैं, जेल वाले नंबर दिख रहे हैं। बोट स्टार्ट हो चुकी है, ये लेके जा रहे हैं हम पे, हमको कहीं पे नंबर वंबर लिखवा के हाथ पे, ऐसे पता नहीं क्या ही करवाएंगे। लगता है सबको जितने बार लिखा है उतने बार देना पड़ेगा। ये भैया स्कूबा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस पाइप को हमको अपने पिछवाड़े में फिट करना पड़ेगा अगर हमको सांस लेना है तो। ये दूसरे बोट के लोग भी रेडी हैं जाने के लिए, सब लोगों को पानी में मिलेंगे हम। स्कूबा डाइविंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, मुझे कुछ ट्रेनिंग वेनिंग देंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है पहले से। ऊपर लेकिन मजा कितना मजा आया।
अब हम बनाना राइड के लिए जा रहे हैं। बनाना तो हमारे सबके पास है, हमको बस राइड चाहिए। जो इसमें आया हूँ आज डे 3 है। हम लोगों ने कल बहुत मस्ती किया, कल ज़्यादा कुछ वीडियो बना तो नहीं पाए लेकिन जितना बनाया मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में और एक्सप्लेन करते हुए अपलोड कर दूंगा। तो हम वाटर स्पोर्ट्स में बहुत बिजी हो गए थे तो मोबाइल यूज़ करने का मौका नहीं मिला। तो आज डे 3 है और हम लोग पंजिम जाएंगे, अभी होटल से चेकआउट कर रहे हैं अभी क्योंकि रात में हम निकल लेंगे वापस बैंगलोर के लिए। तो अब हम फाउंटेन हाउस में आ चुके हैं, टैक्सी किया हम लोगों ने तो कम में मिल गया हमको 150 पर हेड ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो हम लोग 3-4 प्लेसेस हम कवर करेंगे, लास्ट डे है। तो इधर हम फाउंटेन आ चुके हैं, इधर कुछ ये देखिए कुत्तों का झुंड। तो अभी हम पंजिम चर्च को आ चुके हैं। बहुत सारे चर्चेस क्लोज हैं क्योंकि अभी गुड फ्राइडे है और पता नहीं क्यों कुछ रीजंस है जो बहुत सारे चर्च क्लोज हैं। तो पता नहीं कि ये ओपन है या नहीं, हम जाके ऊपर जाके देखेंगे अभी। ये रहा पंजिम चर्च, इधर देखिए दीदियाँ और इधर उनके भाई लोग। अभी हम लोग पंजिम चर्च से
मीरामार बीच आ गए हैं। तो ये मीरामार बीच को आ गए हम। ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा वाइड व्यू है इधर बाकी बीच से कंपेयर किए तो। तो अभी हम डोना पावला आइलैंड आ गए हैं। इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ज़्यादा नीचे या फिर क्लोज जाने नहीं दे रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से देख के जाना पड़ेगा। तो ये वही जगह है जो सिंगम में यहाँ पे अजय देवगन कार में बैठ के फाइट करता है गुंडों से। डोना पावला आइलैंड के पास है ये। तो अभी हम लंच करने के बाद ओल्ड गोवा फोर्ट आ गए हैं। इधर कुछ इमारतें हैं, पता नहीं कुछ कुछ टावर टाइप, देखेंगे आगे कि क्या क्या है। इधर से हम नेक्स्ट ओल्ड गोवा चर्च जाएंगे। ओल्ड गोवा टावर के बाद हम ओल्ड गोवा चर्च जा रहे हैं अभी। मोस्टली ये अब हमारा लास्ट लोकेशन है जहाँ पे हम जाके थोड़ा देख के दो तीन फोटो लेके हम लोग वापस चले जाएंगे, जहाँ से हमको ट्रेन कैच करनी है। तो देखिए हमारे सब लौंडे लोग टैक्सी में बैठ के हम चिल कर रहे हैं अभी। तो कुछ देर में निकलते हैं, ऑलमोस्ट हमारा सफ़र एंड होने को आ रहा है। तो ये है ओल्ड गोवा चर्च। अनफॉर्चुनेटली ये अभी बंद है फिलहाल, पता नहीं क्यों 4 अप्रैल तक किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है, हम लोग सब वापस जा रहे हैं बैंगलोर के लिए। हम 3 दिन के लिए आए थे तो 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं आज को। तो अभी ट्रेन आ भी गई है, 10-15 मिनट में निकलती होगी। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है, और थोड़ा दिन रह सकते थे लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट व्लॉग ख़त्म हो चुका है। मैं रिव्यू या फिर कुछ आपको टिप्स वगैरह कुछ देना होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बैंगलोर जाके, और लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू गाइज। बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं।